क्या पढ़े हो? सर, कल तो राष्ट्रीय आय तथा कल्याण के लिए दो लाइन लिखवा के आप छोड़े थे, और हाँ आपने मुझसे कहा था कि उपभोक्ता संतुलन और इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर सरप्लस पढ़ने के लिए, क्योंकि हाँ यूट्यूब वाले पे सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस ही मिल पाया, जैसे मार्शल और फिक्स का था, इतना ही टॉपिक मिला सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस, और ये कंज्यूमर उपभोक्ता संतुलन और तटस्था वक्र वाला वीडियो नहीं था उस पर। उपभोक्ता हाँ? संतुलन और तटस्था वक्र वाला वीडियो नहीं मिला उस पर। अच्छा, कल हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय तथा कल्याण का, टीगू महोदय का लिखा था दो लाइन, उसके बाद फिर वहीं पर रुक गया था क्लास। आवाज नहीं साफ आ रही है, माइक पर लग। जी सर, कल राष्ट्रीय आय तथा कल्याण का टॉपिक में दो लाइन लिखे थे हम लोग पीगू महोदय के विषय में। कल हाँ? राष्ट्रीय आय तथा कल्याण वाले टॉपिक में लिखे थे दो लाइन, पीगू सर का कॉन्सेप्ट जो था वो लिखा था हमने। हाँ हाँ वो तो समझ गए ना। हाँ ये तो समझ गए, राष्ट्रीय आय तथा कल्याण तक। आज क्या पढ़िएगा? आज तो आपने कहा था कि ये तीन टॉपिक तैयार करने, उपभोक्ता संतुलन, मार्शल और हिक्स का, तो बाद तटस्था वक्र रेखा और कंज्यूमर सरप्लस, इसमें आप जो आप पढ़ाए आज। तटस्था वक्र रेखा मिला है? नहीं सर, नहीं मिला था, वीडियो नहीं था तटस्था वक्र का और उपभोक्ता संतुलन दोनों का नहीं था। कंज्यूमर सरप्लस का मिला था जिसे मैंने तैयार किया, पहले वो तैयार किए हैं, कंज्यूमर सर सरप्लस कंज्यूमर तैयार सरप्लस किए का हैं तैयार। यस सर, और उसी को पढ़ा देते हैं। ओके सर। अल्फ्रेड मार्शल। ने उपभोक्ता की बचत, बचत का एक और नाम होता है अधिशेष। यस सर, बीपीएससी में अधिशेष लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि बचत हो रही है, यहाँ जी सर, लिख दे रहे हैं। अल्फ्रेड जी मार्शल ने उपभोक्ता की बचत या अधिशेष का सिद्धांत को
स्थापित किया है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता क्या क्या मूल्य देना चाहता है, क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है। इसी दोनों के अंतर को इसी दोनों के अंतर को उपभोक्ता की इसी दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। पढ़िए तो क्या लिखे हैं, उपभोक्ता की बचत या अधिशेष कंज्यूमर सरप्लस। अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत सिद्धांत को स्थापित किया है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है, इसी दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। सलाई पोस्ट कार्ड अखबार आदि आदि का उदाहरण सलाई पोस्टकार्ड अखबार नमक आदि का उदाहरण मार्शल ने दिया है। सलाई पोस्टकार्ड अखबार नमक आदि का उदाहरण मार्शल ने दिया है। अब मान लीजिए सलाई है, अब सलाई के लिए आप मार्केट में जब आए तो आप सोच रहे हैं कि हमको खरीद करके सलाई ले जाना है, बारिश हो रही है, आप सोच रहे हैं कि हर हालत में सलाई को खरीद के ही जाएंगे, मन में सोच रहे हैं कि 10 रुपए भी मांगेगा तो हम दे करके सलाई ले लेंगे, तो आप मूल्य देना चाहते हैं 10 रुपए, ये आप मन में सोचे हुए हैं।
जब वहां पहुंचते हैं आप पूछते हैं कि सिलाई का दाम क्या है, तो बोलता है 5 रुपया। आप मन में क्या सोचे थे? 10 रुपए। तो आपको भीतर से एक तरह की खुशी होगी जी, पैसा आप ही का है, आपको लगेगा कि 5 रुपया हमारा बच गया। जी सर। अखबार में आपका रिजल्ट निकलने वाला है जी। आप अखबार वाले कहते कि जल्दी से हमको अखबार दो, 10 रुपया लो, 20 रुपया जो लो हमको दे दो। लेकिन अखबार वाला को आपके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, अखबार का जो 5 रुपया दाम है वही दे के आपको दे दिया। आपको रिजल्ट निकला है बीपीएससी का, उसमें आप बहुत खुश हैं अखबार से। 10 रुपया भी आप देना चाहते थे, नहीं लिया, 5 रुपया ही लिया, क्योंकि मूल्य 5 रुपया ही उसमें लिखा हुआ है अखबार का। एक बार हल्ला हो गया कि नमक नहीं मिलेगा। जी सर। अब सारा लोग नमक खरीद खरीद के स्टोर कर लिया। हाँ। हमको भी 20-25 स्टूडेंट जो है मेरे लिए भी खरीद लिया एक एक पैकेट, और ला के दिया तो मेरे पास 25 पैकेट हो गया। आ कल हो करके अखबार में निकला कि ये अफवाह था, नमक पूरा का पूरा बाजार में उपलब्ध है, कुछ झूठी बात है, अफवाह है। अब सोचिए कि 25 पैकेट नमक तो साल भर में भी खत्म नहीं होगा। जी सर। तो कहता है कि आप मूल्य कितना देना चाहते हैं और वास्तव में कितना देते हैं, इस दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। यस सर। कि कहीं कोई आपको दे वो नहीं रहा, धारणा है, कंसेप्शन बना दिया कि आप देना चाहते थे ना 10 रुपया। हाँ। ये 5 रुपया क्योंकि 5 रुपया मांग रहा है, तो आपके मन में ऐसा महसूस होगा कि हमको 5 रुपया बच गया। अगर वो 5 रुपया सरकार टैक्स लगा के ले ले तो आप सरकार के खिलाफ नहीं जाइएगा, क्या कि आप तो मन से उसको निकाल दिए थे कि हम दे रहे हैं। वही मार्शल कहता है कि कंज्यूमर सरप्लस का धारणा दिया, कहा कि उपभोक्ता पर आप टैक्स लगाइएगा तो आराम से टैक्स दे देगा, क्योंकि वो चाह रहा था कि हम 10 रुपया दे, ले लिया उसे 5 रुपया। तो आप 5 रुपया अगर टैक्स लगा देते हैं तो खुशी से आपको दे देगा, उस पैसे से आप जो गरीब को हेल्प कीजिएगा, विकास का काम कीजिएगा। मैंने बात को कहां से कहां ले गया, इस पैसे से आप बिना झमेला का आपको फंड मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारा कमोडिटी है, वस्तु है, जिसमें व्यक्ति अधिक मूल्य देना चाहता है। लेके ही बाजार से हम जाएंगे, ये मन में ठानता है, बाजार से हम लेके जाएंगे। तो मान लीजिए कि अखबार है, अखबार के लिए मूल्य 10 रुपया। किंतु वास्तव में अखबार पांच रुपया में मिल जाता है, मिल गया जी। तो अब यही हो गया उपभोक्ता की बचत बराबर
मूल्य देना चाहता है मूल्य वास्तव में देता है। देना चाहता था कितना 10 जी, अब मिल गया उसको कितना 5, तो बच गया कितना 5। यही हो गया उपभोक्ता की बचत। यस सर। समझे जी सर, क्लियर है, समझ गए। ऊपर से देख के पढ़िए तो इसको ऊपर से, ऊपर से मध्यम में ऊपर से उपभोक्ता की बचत सिद्धांत को स्थापित किया है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है, इसी दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। सलाई, पोस्टकार्ड, अखबार, नमक आदि का उदाहरण मार्शल ने दिया है। अखबार के लिए मूल्य देना चाहता है 10 रुपए, किंतु वास्तव में अखबार 5 रुपए में मिल जाता है। इसे ही उपभोक्ता की बचत बराबर मूल्य देना चाहता है माइनस मूल्य वास्तव में देता है। मूल्य देना चाहता है 10 रुपए माइनस मूल्य वास्तव में देता है 5 रुपए बराबर 5 रुपए, यही उपभोक्ता का बचत है। समझ गए ना बात को? जी सर, समझ गए। अब इसी को मार्शल जो है चित्र में दिखाते हैं। जी, सीमांत उपयोगिता रेखा, इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, MU। जी, अब देखिए इसको यहां से अगर घर बंद कर देंगे ना जी, तो ये पूरा घर हो जाएगा कुल उपयोगिता। जी सर, रेखा है मार्जिनल यूटिलिटी का। लेकिन घर बंद कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? कुल बचत का, कुल उपयोगिता का, सॉरी, कुल उपयोगिता का जी, OMEA। तो कोई भी व्यक्ति जो है कितना देना चाहता है तो कुल उपयोगिता कितना है उसी के बराबर देना चाहेगा। जी, मार्शल नियम बतलाए
मार्शल नियम क्या है, इसका नियम है कि मूल्य जो है बराबर होगा सीमांत उपयोगिता जी। मूल्य किसके बराबर होगा? सीमांत उपयोगिता के। अब देखिए यहाँ सीमांत उपयोगिता कितना है, लास्ट वाला सीमांत होता है एम ई जी। सीमांत उपयोगिता जो है कितना होता है एम ई, कुल उपयोगिता कितना है ओ एम ई ए जी। कुल उपयोगिता कितना है ओ एम ई ए। अब उसको प्राइस कितना देना होगा, तो जितना सीमांत उपयोगिता है उतना के बाद, देखिए नियम यही है जी सर। मूल्य किसके बराबर होगा, सीमांत उपयोगिता के बराबर जी। मूल्य कितने के बराबर होगा, सीमांत उपयोगिता के बराबर होगा एमई के बराबर होगा। तो एमई के बराबर, तो यहाँ देखिए इसको बराबर करने के लिए यहाँ खींच देते हैं जी, यही मूल्य हो गया जी। मूल्य हो गया ओपी जी, क्योंकि P जो है E के बराबर है जी। M E बराबर क्या हो जाएगा OP, M E का ऊंचाई जो है वही ऊंचाई किसका होगा OP का जी सर। अब देख लीजिए उपभोक्ता ओ एम एक्स वस्तु है, उपभोक्ता ओ एम एक्स वस्तु के लिए, उपभोक्ता ओ एम एक्स वस्तु के लिए ओ एम ई ए मूल्य देना चाहता है। यस सर, मूल देना चाहता है, चाहता है कि हमको ओ एम ई ए मिल रहा है तो हम इतना आपको हम मूल्य देना चाहते हैं आपको जी। लेकिन वो मूल्य लेगा कितना ओ एम ई पी, क्योंकि हर रोटी का एक ही दाम होगा, 2 रुपया है तो हर का 2 रुपया होगा, अगर 3 रुपया है तो हर का 3 रुपया होगा, तो मूल्य है ओपी और टोटल ले रहा है ओ एम, हाँ तो हो जाएगा ओ एम ई पी। देना चाहता है ओ एम ई ए लेकिन उपभोक्ता ओ एम एक्स वस्तु के लिए उपभोक्ता ओ एम एक्स वस्तु के लिए ओ एम ई पी मूल्य देता है। मूल्य मांग रहा है, देना चाह रहा है ओ एम ई ए जी, लेकिन लेने वाला जो बैठा हुआ है वो कितना मांगेगा ओ एम ई पी, तो अब निकल जाएगा जी सर। अब हम लोग को जानना है कि उपभोक्ता की बचत कितना हुआ जी सर। उपभोक्ता की बचत बराबर हो जाएगा, देना चाहता है ओ एम ई ए
अब वास्तव में देता है ओ एम ई पी, तो दोनों में घटाएंगे तो बच जाएगा ए पी ई। देखिए यही घर उसको एक्स्ट्रा बच जाएगा, देना चाहता था लेकिन उतना लेगा नहीं। एपीई का क्या नाम हो जाएगा? इसका कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस सीएस। यही जो नीला वाला जगह डॉटेड दिया हुआ है वही हो गया एपीई। आप कितना देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। कोई टॉप करने वाला होगा तो 10 रुपया भी अखबार को देने के लिए तैयार होगा लेने के लिए, और कोई फेलियर होगा तो सोच रहा होगा कोई ले ले तो उसी के अखबार में अपना देख लेंगे है कि नहीं है क्योंकि उसको कोई इच्छा नहीं है, वो अच्छा एग्जाम नहीं दिया है तो जान रहा है कि फेल करेंगे तो काहे के लिए। तो कितना आपको यूटिलिटी मिल रहा है? यहाँ यूटिलिटी मिल रहा है ओ एम ई ए, कितना मिल रहा है ओ एम ई ए, उसको यूटिलिटी मिल रहा है ओ एम ई ए। वो देने के लिए तैयार है कि हमको दे दीजिए एक्स वस्तु, ओ एम वस्तु दे दीजिए, हम आपको दे देते हैं ओ एम ई ए। लेकिन दुकानदार कहता है कि हम आपको ओ एम एक्स वस्तु दे रहे हैं लेकिन आपसे हम इसके बदले में लेंगे ओ एम ई पी, क्योंकि हमारा रूल है कि मूल्य बराबर होता है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता आपको जितना मिल रहा है मिले ये आपकी बात है, लेकिन हम मूल्य उतना ही लेंगे जितना कि सीमांत उपयोगिता है। और सीमांत उपयोगिता क्या होता है? अंतिम इकाई, अंतिम इकाई जो होगा वही लंब जो है वही सीमांत हुआ जी। तो अंतिम इकाई हमारा एम है जी। एम पर सीमांत उपयोगिता कितना है? एम ई। यस सर। यही मूल्य हो गया, उसको बाएं खींच देंगे पी कर देंगे तो मूल्य हो गया ओ पी जी। तो इसी को कहा जाता है मार्शल की उपभोक्ता की बचत जी सर। मार्शल की क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब मान लीजिए कि अभी हम लोग जो पढ़े थे यही था कंज्यूमर सरप्लस। यस सर। अब अचानक जो है
कीमत घट गई, देखिए बाजार में कीमत घट के हो गई पी जीरो, पहले था पी ए ई, अब यहां एफ पर आ गया, अब एम के बजाय उपभोक्ता खरीद रहा है एन। जी सर, अब उपभोक्ता की बचत जो है पहले जो मिल रहा था ए पी ई, अब मिलने लगेगा ए पी जीरो एफ। यस सर, बढ़ जाएगा जी, कितना से बढ़ेगा, तो ये देखिए ये एरिया बढ़ गया, पी ई पी ओ वाला जो है पी ई पी ओ, यहाँ एक नाम बीच में देना पड़ेगा इतना एरिया से। यस सर, ये समझ लीजिए कि कंज्यूमर सरप्लस में ये डेल्टा सी एस है, डेल्टा माने वृद्धि। जी सर, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा सी एस, डेल्टा। तो डेल्टा सी एस का मतलब हो गया उपभोक्ता के बचत में वृद्धि। जी सर, उपभोक्ता की बचत में वृद्धि, वृद्धि कितना से हो गया, पी पी ई एफ पी जीरो। यस सर, पी ई एफ पी जीरो। जब वस्तु की मात्रा ओएम से बढ़कर ओएन हो जाता है, वस्तु की मात्रा बढ़ गई। यस सर, कितना बढ़ गई, ओ एम से बढ़कर ओ एन हो गया। आ कीमत में कितनी कमी हो गई, कीमत ओ पी से घट करके ओ पी जीरो हो गया, ओ पी से घट के ओ पी जीरो हो गया। जी, तो कीमत घट गया क्योंकि सीमांत उपयोगिता भी घट गई। जी, सीमांत उपयोगिता एम ई था, अब क्या हो गया एन एफ। जी सर, अब क्या हो गया, अब एन एफ सीमांत उपयोगिता हो गया है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अगर बाजार में कीमत घटती है तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाएगी, इसीलिए अभी मूल्य वृद्धि महंगाई पर हल्ला बोल हो रहा है। यस सर, महंगाई घटेगी तो उपभोक्ता बचत क्या हो जाएगा, उपभोक्ता बढ़ जाएगा, महंगाई घट जाएगा, उपभोक्ता खुशहाल हो जाएगा। जी सर, इसलिए मूल्य का घटना बहुत अच्छी बात है। जी, तो निष्कर्ष क्या निकला कि मूल्य के घटने पर
उपभोक्ता की बचत में उपभोक्ता की बचत में वृद्धि हो जाती है। मूल्य घटने पर उपभोक्ता की बचत में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। ये किसका कहा हुआ है? मार्शल सर का कहा हुआ है। मार्शल द्वारा जी स्थापित उपभोक्ता बचत का सिद्धांत। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इकोनॉमिक्स में हर चीज में जो है ना, ये वो मान्यता रहता है। मान्यताएं, मान्यता क्या है? तो नंबर वन है कि उपयोगिता की माप की जाती, उपयोगिता की माप की जा सकती है। सीमांत उपयोगिता के बराबर सीमांत उपयोगिता के सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य निर्धारित होता है। मूल्य तथा उपभोक्ता की बचत, मूल्य तथा उपभोक्ता की बचत मूल्य तथा उपभोक्ता की बचत के बीच विपरीत संबंध रहता है। अन्य बातें स्थिर रहता है। अब इसके बाद जो है ना जी सर, तटस्था वक्र रेखा पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे।
तब फिर हिक्स वाला बताएंगे। उसको जानने के लिए पहले स्टेप में ये तो सीमांत से हो गया काम, मार्शल का हो गया, अब तटस्था बकरे का इंडिफरेंस कर पहले पढ़ा देंगे, तब फिर हिक्स का कंज्यूमर सरप्लस बताएंगे। फिर कंज्यूमर्स बिहेवियर जो है उपभोक्ता संतुलन, फिर मार्शल हिक्स का दोनों का ये जब होगा तब वो करेंगे। एक दो रोज में आप सब समझने लगिएगा। आप जरा खोज के देखिएगा ना तटस्था वक्र रेखा की विशेषता। ठीक है, तब फिर से एक बार पूरा ढूंढेंगे, तुम दोनों तो सब वीडियो मंगा लेते हैं, फिर देखेंगे एक बार। आप खोजे नहीं है ठीक से, होगा जरूर उसमें। पर मैंने सारा वीडियो बीपीएससी मेंस वाला 170 वीडियो जो है उसे भी देखा। बीपीएससी मेंस वाला जो 170 वीडियो है एक बना हुआ, उसमें भी देखे, उसमें भी यही कंज्यूमर सरप्लस मिला। उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस का एक दूसरा टॉपिक जो है वो बाद में उसी प्लेलिस्ट के दूसरे वाले में जाके हिक्स द्वारा स्थापित तटस्था वक्र का उपभोक्ता रिसेस जो है वो मुझे जाके दूसरे टॉपिक में मिला। दो टॉपिक ही मुझे मिल पाया पूरा ढूंढने के बाद। ठीक ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट किए हैं, स्टेप वाइज होगा। जी सर, जी सर। उतारने का काम चालू रखिएगा, कोई ना कोई रोज उतारिए वो दूगो। जी सर, आप जो टॉपिक कहेंगे मैं हर टॉपिक उतारता जाऊंगा हरदम। हैं? जो भी टॉपिक आप बताएंगे मैं उतारता जाऊंगा उन टॉपिकों को। ना ना, सिलेबस है ना पास में, सिलेबस है पास में, सिलेबस देख लीजिए, कोई टॉपिक खोजिए उसे, और मान लीजिए आप खोज रहे ना मिल रहा है तो उसको छोड़िए नहीं, दूसरा टॉपिक देख लीजिए जो उसमें से जो टॉपिक लिखा हुआ सिलेबस में उसी टॉपिक को डाल के देखिए। बारह सौ है उसमें, उसको ब्रेन से खोज के निकाल देगा तुरंत। जी सर, है ना, रोज निकालिए और लिखिए, ये काम चलते डिस्कशन तो धीरे धीरे सब हो जाएगा ना, निकल के निकाल के रखे रहिएगा तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। जी सर, और आपको भी समझना आसान है, एक होमवर्क हो गया, रोज दिन दो नोट्स कम से कम जो है उतारिए उसमें से। कैसे उतारेंगे तो सिलेबस में देख लीजिए, और ठीक हम देख रहे हैं सिलेबस में देख लीजिए नाम, और वही नाम डालिए, वो नहीं हो तो दूसरा डालिए, तीसरा डालिए, फट से कोई ना कोई पकड़ा ही जाएगा। भुगतान संतुलन है, हाँ है, है ना, ये सब बहुत तरह का जो उतारते चले जाइए। डिस्कशन रोज दिन आपका वो होता जाएगा, होते होते 30 दिन में 30 को डिस्कशन हो जाएगा, जबकि आपको 10 को लिखना रहेगा, 6 को लिखना रहेगा, समझ रहे ना, इस तरह से कीजिए। तटस्था वक्र रेखा खोजिएगा और उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, तटस्था वो होगा भीतर, उसको उतार